आज मैंने बप्पा के भोग के लिए बेसन की पकौड़ियाँ बनाई। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें केवल और केवल हमें घर में मौजूद बेसन की ज़रूरत होती है। बेसन मैंने लिया है और बेसन में मैंने स्वाद अनुसार, आप जितना बेसन ले रहे हैं उसके अनुसार नमक डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालिए ज़रूर, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लीजिए, जितनी आप खाते हैं, जितना आपके घर में स्वाद के लिए खाते हैं। हमारे घर में थोड़ी सी खाते हैं तो मैंने थोड़ी ही डाली है, ज़्यादा नहीं है, और ये कड़वी नहीं है हमारी। और अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें नमक मिर्च और अजवाइन जो है मिक्स हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा, कम से कम 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या होगा, हमारे बेसन की जो पकौड़ियाँ बनाएंगी वो हार्ड नहीं बनेंगी, सॉफ्ट बन जाएंगी। तो सॉफ्ट होती हैं वही खाने में अच्छी भी लगती हैं। तो इसमें मैंने अभी 2 चुटकी ही, क्योंकि मेरा बेसन भी थोड़ा सा ही मैंने लिया है, इसमें मैंने बस 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल लिया है। अब बेकिंग पाउडर के बाद इसको हम पानी से मैश करेंगे, पानी से घोल लेंगे बेसन को सारे को, और चम्मच से अच्छी तरह चलाते हुए, कोई गुठली नहीं पड़नी चाहिए, आप बेसन को ऐसे अच्छी तरह घोल लीजिए, चम्मच चलाते रहिए, धीरे धीरे उसमें पानी डालते रहिए, तो आप गुठलियाँ ना बने बस यह ध्यान रखिए, क्योंकि गुठली बनेगी तो वहाँ से स्वाद नहीं आएगा। अच्छी तरह से जैसे जैसे आप घुमाएंगे और उसमें आपको बेकिंग पाउडर डाला हुआ है उसकी वजह से वो फूला फूला हुआ आटा नज़र लगे आएगा और अच्छा लगेगा। ये बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए, इसमें कहीं सूखा बेसन या गुठली ऐसा कुछ भी नहीं रह जाए, और इतना ही टाइट आपने गूंथना है जिसकी पकौड़ियाँ बने, ना ये बहुत पतला हो मटेरियल और ना बहुत गाढ़ा हो, मीडियम साइज़ का रखेंगे कि इसमें चम्मच आसानी से घूम सके। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसा बन गया है, थोड़ा थोड़ा फूला हुआ ही नज़र आ रहा है। देखिए मेरा बेसन कैसे हो गया है, फूला फूला सा बेसन हो गया है। अब इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए रख दूँगी, बस 5 मिनट सफिशेंट है आपको रखने के लिए। उसके साथ ही आप कढ़ाई गैस पर चढ़ा दीजिए और उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए ताकि तब तक तेल गर्म होता रहे। पकोड़े या पूरी जब बनानी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। लोहे की जो कढ़ाई में जब आप पूरी और पकोड़े बनाते हो तो वो अच्छे रहते हैं, जल्दी से जलते नहीं हैं। हाँ, बस तेल गर्म अच्छा सा हो जाता है। अब इसमें मेरा तेल गरम हो रहा है, देखो ऊपर तेल में झाग दिखाई देनी शुरू हो गई है, मतलब तेल मेरा सारा गरम हो चुका है। और जब तेल फुल गरम हो जाए अच्छे से तो आप अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए, हल्की गैस रहेगी। अच्छा, जो हमारा तेल जब पक जाता है तो उसमें से जितना मेरा ये मटेरियल है, इसमें 1-2 चम्मच करीब मैंने तेल इसी में गरम तेल मोयन देने के लिए, जैसे मोयन दिया जाता है ना आटे में, तो मैं इसमें बेसन में भी मोयन दे के आप इसके पकोड़े बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल दिया है जो मैंने गरम किया था, कच्चा तेल नहीं डालना है, पका हुआ तेल ही डालना है। वो डाल के और अब पकौड़ियाँ के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा लीजिए और डालते जाइए, जितना लाल, ज़्यादा लाल या आपको हल्का हल्का पीला सुनहरा जैसा रखना है पकौड़ियाँ, आप उसको वैसे ही निकाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा लाल आपके घर में खाते हैं तो आप ज़्यादा लाल बनाइए, मीडियम खाते हैं तो मीडियम बनाइए, और पीला पीला कलर की खाते हैं तो पीली पीली बनाइए। हमारे घर में मेरे हस्बैंड हैं वो ज़्यादा लाल वाली खाते हैं,
बाकी हम सब लोग तो पीले पीले वाली खाते हैं। अब जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाल मेरी हो गई हैं वो मेरे हस्बैंड के लिए हो गई हैं, क्योंकि उनको इसी तरह की पसंद है। बाकी बच्चों को वो ज़्यादा लाल नहीं खाते, बच्चे मेरे हल्की पीली पीली गोल्डन हल्की सी लाल बस लिए हुए खा लेंगे। और अब ये देखते जाइए, एक तो ये बनी बिल्कुल गोल गोल है, आप इनको जैसे जैसे दिखती जाएगी सिकती चली जा रही हैं, तो आप उनको छलनी की सहायता से बाहर निकालते रहिए। और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और आप चाहें तो इनको चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इनकी सब्जी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनके ऊपर दही चटनी डाल के जैसे चाट बना के खाई जा सकती है वो भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने तो आज बप्पा के भोग के लिए ये बनाई है कि बप्पा को आज हमारे घर से गणपति बप्पा जाने वाले हैं, तो उनको जाते हुए एक बार और थोड़ा सा हैवी खाना खिला दिया जाए। बाज़ार से चीज़ें मंगा के खाना मुझे पसंद नहीं होता है, तो गणपति बप्पा को हम घर की ही बनी हुई सारी चीज़ें खिलाते हैं, पकौड़े पूरी पकौड़ा पराठा हलवा खीर जो भी बनाई है हमने खिलाया है उनको, अपने घर से ही बना कर खिलाया है। तो अब जैसे वो जा रहे हैं तो बप्पा का विसर्जन करना है अभी थोड़ी देर में, उससे पहले हम उनको इन पकौड़ियों का भोग लगा के, जैसे क्योंकि शाम का समय हो ही चुका है, जैसे हम लोग चाय पकौड़ी खाते हैं शाम के टाइम में, तो बप्पा को भी मैं ये पकौड़ियाँ ही खिला के भेज रही हूँ। ये मेरी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनी हैं अंदर से, इनमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है क्योंकि मैंने बेकिंग पाउडर डाला हुआ था। अब बस ये वाली और सिक जाए मेरी तो फिर ये सारी बन जाएंगी। प्रसाद के लायक मैंने प्रसाद के जितनी ही बनाई हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल भी घर में सभी ने बहुत तला हुआ खाना ही खाया है, तो आज मैं कोई भी तला हुआ खाना बनाने के मूड में नहीं थी। और ये है कुछ हल्की सुनहरी मैंने की हैं और कुछ हल्की हल्की पीले रंग की हैं, जैसे कि मेरी बेटी को पसंद है, वो हल्के लाइट कलर की ही खाती है। अब ये देखिए, मेरे को दो तीन तरह की पकौड़ियाँ तलनी पड़ी, कुछ ज़्यादा लाल कुछ मीडियम लाल और कुछ थोड़ी येलोइश कलर में, लेकिन हाँ ये पक सारी चुकी हैं, इसमें कच्चा नहीं है कुछ भी। और ये मेरे बप्पा के भोग की थाली तैयार हो गई है, ये उनकी पकौड़ियाँ उनका फल और ये उनकी भोग की थाली तैयार है। ये वाला भोग करवा के हम अपने पप्पा को आज अगले साल फिर से बुलाने के लिए उनको उनके घर वापस भेज रहे हैं, कह रहे हैं हम पप्पा अगले साल जल्दी से आ जाना।